सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर पुनः आपके समक्ष कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 2। पाठ का नाम है फिर बोरा आम। प्रत्येक फल की एक जीवन यात्रा होती है। आम की यात्रा भी शुरू होती है बसंत ऋतु से, जब आम के पेड़ों में बोर लग जाते हैं। पके हुए रसीले व स्वादिष्ट आम के विविध रूपों वो उनकी उपयोगिता का वर्णन इस पाठ में है। पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं। शब्दार्थ आप लोगों के समक्ष हैं। पहला शब्दार्थ है मंजरी। मंजरी मतलब आम के बोर। बोर मतलब वो जगह है जो आम के पेड़ की जो शाख होती है, उस शाख के किनारे आम के बोर लगते हैं। बड़े होके वही आम बनते हैं। गमकना मतलब महकना। असंख्य मतलब अनगिनत, जिनकी कोई गिनती न हो। उत्पादन मतलब पैदावार। अनोखा मतलब विचित्र। टिकोरे मतलब छोटी छोटी कैरिया। वंदनवार मतलब दरवाजे पर टांगे जाने वाली झालर। अंतर्राष्ट्रीय मतलब विभिन्न देशों के बीच। प्रदर्शनी मतलब नुमाइश। सर्वश्रेष्ठ मतलब जो उपलब्ध है उनमें सबसे अच्छा। लोकप्रिय मतलब लोगों में प्रिय। अधिकांश मतलब अधिकतर। अब हम पाठ की ओर लौटते हैं। एक बार हम लोग पाठ का वाचन करेंगे, उसके बाद हम लोग अभ्यास करेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए पाठ पढ़ते हैं। पाठ 2, फिर बोरा आम। आप सुनकर चौंक उठे होंगे। आम बोरा गया? जी हाँ, पागल नहीं। आम के पेड़ में फूल आने को भी बोराना कहते हैं, वैसे पागल हो जाने को भी बोराना कहते हैं। किंतु यहाँ आम के पेड़ के प्रसंग में बात की जा रही है। वसंत बीतते बीतते आम पागल हो जाता है। वसंत मतलब बसंत ऋतु, अर्थात मार्च के अंत तक आम के पेड़ मंजरियों से भर जाते हैं। मंजरी शब्द का अर्थ हम लोगों ने शब्दार्थ के दौरान पढ़ा था। बौर की महक से बगिया गमकने लगती है। गमकने मतलब महकने लगती है। आम में बोर के टहनियों के छोर पर लगते हैं। आम में बोर टहनियों के छोर पर मतलब किनारे पर लगते हैं। बोर सीधे ऊपर की ओर बढ़ता है। यह हल्के पीले रंग के छोटे छोटे फूलों का गुच्छा होता है। इसमें असंख्य फूल होते हैं। असंख्य मतलब हमने शब्दार्थ में पढ़ा अनगिनत। अनगिनत मतलब जिसकी गिनती न की जा सके। अधिकांश फूल तो गिर जाते हैं। अधिकतर फूल, अधिकांश मतलब अधिकतर, अधिकतर फूल तो गिर जाते हैं। केवल गिने चुने फूल ही पेड़ पर रह जाते हैं जिनसे आम बनते हैं। आम का पेड़ भारत में लगभग हर जगह पाया जाता है। अपने रंग रूप या किसी स्थान विशेष पर पैदा होने के कारण आम के कई नाम प्रचलित हैं, जैसे बेगम पसंद, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, नीलम, अल्फांसो, मालदा, सफेदा, सिंदूरी, तोतापरी आदि। आम के पेड़ का हमारे धर्म, लोक जीवन और साहित्य में बड़ा महत्व है। प्रत्येक शुभ अवसर पर आम का किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों की बंधनवार शुभ अवसरों पर घरों में लटकाई जाती है। आपको ध्यान होगा, जब हमारे यहाँ पर पूजा होती है या भागवत होती है या कोई भी शुभ कार्य होता है, उस अवसर पर हम लोग आम के पत्तों की वंदनवार बनाकर हमारे घर के आगे दरवाजे पर लटकाते हैं। आगे पढ़ते हैं। कलश या मंगल घट भी आम की पत्तियों से ही सजाया जाता है। हवन पूजन में आम की लकड़ियां ही जलाई जाती हैं। आम भारतीय रसोई का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग मतलब इसका बिना भारतीय रसोई का काम चलना लगभग मुश्किल है। कच्चे आम के अचार के बिना भारतीय भोजन अधूरा माना जाता है। आम के छोटे छोटे टिकोरों को छोक कर सब्जी बनाई जाती है। टिकोरों मतलब छोटी केरियाँ। कच्ची केरियों की चटनी बनती है। गर्मियों में लू से बचने के लिए कच्चे आम का पन्ना बनाकर पिया जाता है। पके आम के गूदे को सुखाकर आम पापड़ बनाते हैं। खटाई और अमचूर मसाले के रूप में कच्चे आम का प्रयोग किया जाता है। मैंगो शेक तो पूरे भारत में लोकप्रिय है। यह विटामिन ए से भरपूर फल है। वास्तव में आम कच्चा हो या पका हुआ, इसके प्रत्येक रूप से स्वादिष्ट चीजें तैयार की जाती है। एक कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम। भारत के अनेक भागों में आम की गुठली भी फेंकी नहीं जाती।
इसे उबालकर इसके गूदे से रोटी बनाई जाती है, इससे तेल निकलता है, इससे तेल भी निकाला जाता है। आम के पेड़ की छाल से पीला रंग बनाया जाता है, जिससे सूती, रेशमी और ऊनी कपड़े रंगे जाते हैं। छाल का चूर्ण मिट्टी के बर्तन रंगने के काम आता है। आम के बोर से इत्र भी निकालते हैं। इसकी लकड़ी अधिक मजबूत नहीं होती, फिर भी किसानों के घरेलू सामान इससे बनाए जाते हैं। पानी में नर सड़ने के कारण इससे नाव भी बनाते हैं। आम के स्वाद व उपयोगिता को देखते हुए पिछले कई वर्षों से दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जिसमें बहुत सारे राष्ट्र सम्मिलित होते हों, अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव। इसमें आम की विभिन्न देशी विदेशी किस्में प्रदर्शित की जाती है। प्रदर्शित की जाती मतलब वहाँ पर सबको देखने के लिए रखा जाता है, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। आम से बने उत्पादों और आम के पौधों की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ आम उत्पादन के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से इंग्लैंड और एशिया के कई देशों में आम और इससे बनी वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों के कारण आम सचमुच फलों का राजा है। यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। अब हम लोग पाठ के पीछे का अभ्यास, प्रश्नोत्तर इत्यादि सारी चीज़ें हम लोग एक पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजी जाएंगी। वो प्रश्नोत्तर, लिखित प्रश्नोत्तर, बहुविकल्पी और अन्य अभ्यास आपको पीडीएफ में से देखकर अपनी फेयर कॉपी में सुंदर अक्षरों में घर पर लिखना है। प्रश्नोत्तर याद करना है, शब्दार्थ याद करने हैं और बहुविकल्पी प्रश्न भी याद करना है। आज के लिए इतना ही। शेष शुभ। धन्यवाद।